गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं नए महीने से। तो ये दिसंबर की मेरी पहली यूट्यूब की लाइव क्लास है। और पहले बात तो मैं टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, मैं टॉप 1000 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, किसके? हिस्ट्री के। और ये टॉप 1000 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरा कवर कर देंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पर एग्जामिनर द्वारा दिए जाते हैं या फिर एग्जामिनर के द्वारा ज़्यादातर सोचे जाते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चंस दें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा टारगेट रहेगा वो टोटल 1000 क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बता दिया है। तो 20 सेशंस टोटल होंगे दिसंबर में। ठीक है, आज हम लोग ट्राई करके देखते हैं कितने क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है, उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली क्लास की टाइमिंग और क्वेश्चंस को शेड्यूल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी प्लस के बारे में। तो अनअकैडमी प्लस का यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसकी स्लाइड भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हाइक प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को रुपए ज़्यादा देने पड़े अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप अभी ले लेते हैं विद रेफरल कोड बिन्नी सर, अगर आप बिन्नी सर रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन अभी ले लेते हैं तो आपको वही पुराने प्राइस पर मिल जाएगा। खैर, ये बात तो हो गई अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में। और बीच में मैं आपको बताऊंगा कि अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप नहीं इच्छुक हैं या फिर आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी की जो फ्री चीज़ें हैं उनका लाभ उठा सकते हैं डेफिनेटली, जिसमें स्पेशल क्लासेस आ जाती हैं, जिसमें आपकी क्विजेज आ जाती हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। खैर, फिलहाल हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधी जी सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या बोल रहा है, गांधी जी ने जो सत्ता का विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन था, उसको सपोर्ट किया था, तो उसका रीजन क्या था। यहाँ पर चार रीजन्स लिखे हुए हैं आपके पास। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, यानी कि अगर विकेंद्रीकरण होगा तो लोग का उसमें ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों पर, भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था जिस वजह से अब करने में थोड़ी सी आसानी होगी तथा लोगों को उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी ज्यादा होगी। तीसरा कारण, देश के आर्थिक विकास के लिए जो विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट थी, तो वो आवश्यक थी, यानी कि इम्पोर्टेंट थी भारत के विकास के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। आगे और चौथा ऑप्शन है, विकेंद्रीकरण से सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म को रोका जा सकता है। ये ऑप्शंस थे। राइट आंसर क्या है बेटा इसका, राइट आंसर है देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण जो था वो आवश्यक था। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताते चलिए, अगर आपको कोई डाउट दिक्कत समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, गांधी जी ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल थॉट ऑफ दिस सेंचुरी इज परहैप्स हिज इंसिस्टेंस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा आर्थिक विकास है उसके लिए जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे गांधी जी की तरफ से जो कितने काम किए गए उसमें से एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने रीजन आपको बता दिया है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया की सबसे मजबूत ताकत है। यानी कि नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, यानी कि किसी बहादुर का अहिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ द वीक, किसी कमजोर की अहिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ द कावर्ड, कायर की अहिंसा, फिर आता है चौथा ऑप्शन आपके पास, नॉन वायलेंस ऑफ द डाउनट्रोडन, यानी कि दलितों की, जो हमारे समाज में नीचा बताया गया है, जिन्हें दलितों को बताया गया है नहीं, समाज में जिन्हें बताया जाता था उस टाइम पर, तो उनकी अहिंसा, ये बेसिक सी बात बोली गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, आप ताकतवर हैं, आप बहादुर हैं, आप किसी से भी लड़ सकते हैं विद पावर, विद आपके हथियार,
तो आप कैसे भी लड़ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं लड़ रहे हैं, आप फिर भी अहिंसा का पालन कर रहे हैं, आप हिंसा के हित में नहीं है, ठीक है, आप हिंसा के सपोर्ट में नहीं है, तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो जाता है, ऐसा गांधी जी ने बताया था। अकॉर्डिंग टू गांधी, नॉन वायलेंस इज द नॉन पैसिव, इट इज एक्टिव, क्रिएटिव, प्रोवोकेटिव एंड चैलेंजिंग। तो ये चीजें यहां पर बताई, ठीक है। गांधी जी डिस्क्राइब नॉन वायलेंस एज अ फोर्स मोर पावरफुल देन ऑल द वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फोर्स इन द वर्ल्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हो। क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी, इनमें से तीन में से कौन स्वराज पार्टी के मेंबर्स थे। तो स्वराज पार्टी जिसको नहीं पता है अभी पता चल जाएगा, और बाकी चीजें भी आपको बताई जाएंगे यहां साथ ही साथ में, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं यहां पर। ऑप्शंस बने किससे हैं, वो बने हैं मोतीलाल नेहरू ए, सरदार पटेल बी, और गोपाल कृष्ण जी के गोखले, गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, वो सी। तो ए और बी दोनों हैं, ए ओनली है, बी एंड सी है, ए बी सी तीनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली, ठीक है। केवल और केवल मोतीलाल नेहरू इनमें से थे। कौन कौन थे स्वराज पार्टी के मेंबर वो मैं आपको दिखा देता हूं। इन दिसंबर 1922 में चितरंजन दास, सी आर दास, जिसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, नरसिम्ह चिंतमन केलकर और मोतीलाल नेहरू, इन तीन लोगों ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है। और जो सी आर दास थे वो उसके प्रेसिडेंट थे, और नेहरू जी जो थे, मोतीलाल नेहरू जी, वो इसके सेक्रेटरीज में से एक थे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिए आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 1000 क्वेश्चंस का है, और दिसंबर में हम उस टारगेट को पूरा कर लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये बोल रहा है कि वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पुर्तगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया। तो पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली जो संस्कृति है उसके ट्रेसेस, उसके जो ट्रेसेस हैं वो कहाँ मिलते हैं भारत में। गोवा, कालीकट, कैन्नानूर, कोचीन या नन ऑफ दीज। तो आप लोग आंसर्स भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जब आप किसी के शासन के नीचे रहते हैं, तब आपको कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से लेनी ही पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए एक टाइम पर मुगल सल्तनत थी, तो मुगल सल्तनत के अंतर्गत जो प्रजा रही होगी वो उनके रीति रिवाज अपनाए होगी डेफिनेटली, अगर नहीं भी थे तो कुछ ना कुछ वहां से आया होगा। ऐसे ही अगर पुर्तगीज की बात हो रही है यानी कि पुर्तगाली संस्कृति की, तो पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा जहां पर शासन किया होगा वहीं से तो उनकी संस्कृति के ट्रेसेस मिलेंगे। आपको पता है गोवा इन्होंने कैप्चर करके रखा था, और गोवा को 1961 में जाकर इन्होंने छोड़ा है। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में, 1498 में आए थे वास्को डी गामा, और सबसे लास्ट 1961 में पुर्तगाली ही गए हैं भारत से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गोवा इज द राइट आंसर। अब गोवा इज अ फॉर्मर पुर्तगीज कॉलोनी, द पुर्तगीज ओवरसीज टेरिटरी, पुर्तगीज इंडिया एग्जिस्टेड अबाउट 450 years until it was annexed by India in 1961, ठीक है। अब यहां से शुरुआत होती है कि गोवा कब मिला था, 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के राजाओं को हराया था, ठीक है, और यहां पर गोवा को जीता था, ओल्ड गोवा को यहां पर जीत लिया था। और 1843 में जो पुर्तगालियों की कैपिटल थी उसको गोवा शिफ्ट कर दिया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है गोवा में वहां की संस्कृति की चीजें जरूर मिलने वाली। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने रेलवे को भारत में किस वजह से इंट्रोड्यूस कराया था। तो यहां पर कुछ वजह बताई गई है आप लोगों को, किस वजह से बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रमोट हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी कि भारत में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश जो कॉमर्स है, जो वाणिज्यिक चीजें हो रही थी, और प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि कैसे वो भारत पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस वजह से। मूव फूड स्टफ इन केस ऑफ फेमाइन, यानी कि कहीं पर अगर अकाल पड़ता है तो खाने को पहुंचाने के लिए ट्रेन का इंट्रोडक्शन हुआ था।
enables Indian to move freely within the country, और या फिर भारतीयों को आसानी से पूरे देश में घूमने की आजादी के लिए उन्होंने ट्रेन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया था। सो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? अंग्रेजों ने कभी भारतीयों का भला चाहने के लिए तो नहीं किया होगा, है ना? तो ये तीन ऑप्शंस तो भारतीयों के भले में है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। वेरी गुड अक्षय मौर्य। जितने भी लोग क्लास में है वो कॉमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, द हिस्ट्री ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगेन इन द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, 1849 तक सिंगल किलोमीटर की रेलवे लाइन भी नहीं थी भारत में, ठीक है? इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई और धीमे धीमे डलहौजी के कार्यकाल में पहली यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चालू की गई थी 1853 में, अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बोरी बंदर से लेकर थाने तक, बोरी बंदर से थाने तक। अब बोरी बंदर जो है वो इस समय का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन है, क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग। यहां पर आगे क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन है, विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत का कौन सा धार्मिक सुधारक, रिलीजियस रिफॉर्मर मतलब धार्मिक सुधारक, किसको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो अब रिलीजियस रिफॉर्मर जिसको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, तो ये निक नेम्स वाले सेक्शन में चला जाता है, और जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टैटिक जीके के अंतर्गत निक नेम्स वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां पे आपको सारे निक नेम्स मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो गोपाल हरि देशमुख विल बी द राइट आंसर। गोपाल हरि देशमुख वॉज अ सोशल रिफॉर्मर और एज वेल एज रिलीजियस रिफॉर्मर। एट एज ऑफ 25 देशमुख स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स। तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म को लेकर उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारी चीजें लिखी जो कि भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। और उन्होंने एक वीकली भी चलाया जिसका नाम था प्रभाकर, और अपना पेन नेम होता है ना कई लोग, ठीक है? जैसे मैं बिन्नी सोनी मेरा नाम है, बट बिन्नी सर के नाम से मुझे ज्यादा लोग जानते हैं, ठीक है? तो पेन नेम क्या हो गया, या फिर पेन नेम तो नहीं, वो टीचर नेम हो गया, बट अगर मैं कोई पुस्तक लिखता हूँ उसमें मैं नीचे लिख देता हूँ बिन्नी, तो वो क्या हो जाता है? पेन नेम। तो उनका पेन नेम क्या था? लोकहितवादी। और लोगों ने उनको टाइटल भी दिया था लोकहितवादी का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच स्क्रिप्चर, यानी कि गांधी जी ने किस ग्रंथ को, वॉज कॉल्ड हिज मदर बाय गांधी जी, गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माँ के स्वरूप माना था या माँ का दर्जा दिया था? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भागवत गीता, द होली कुरान या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो राइट आंसर है भागवत गीता। गांधी जी ने गीता को उपाधि दी थी, यानी कि बोला था कि ये मेरी माँ के समान है और स्पिरिचुअल रेफरेंस बुक। अगर कोई उन्हें जरूरत पड़ती थी आत्मीय रेफरेंस की, तो वो के उस बुक को पढ़ते थे, गीता से वो रेफरेंस लिया करते थे। इट हैज सीम्ड कॉन्ट्रडिक्टरी टू मैनी दैट अ स्क्रिप्चर दैट अफर्म्स द ड्यूटी ऑफ ड्यूटी टू किल इज द बेसिस फॉर नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का बेसिक भी उन्होंने वहीं से सीखा था। तो ये चीज यहां पर आपके समझ में आ जानी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व, कौन सी पर्सनैलिटी को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर नन ऑफ दिस। ये आपका ऑप्शन है, तो आप लोगों को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग। एंड अगर आपसे पूछ लिया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, तब आप क्या आंसर दोगे? तब आप आंसर दोगे अब्बास तैयब जी। याद रखिएगा ये चीज, बहुत बार मैंने भी पूछी है और अब बहुत बार आप लोगों को मिलेगी भी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से अब्बास तैयब जी को जाना जाता है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से
दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। ठीक है, बॉम्बे में ये पैदा हुए थे, पारसी ओरिजिन के थे, यानी कि पारसी थे ये, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी बोला जाता है। इन्होंने परसिवेरेंस से काम किया, यानी कि दृढ़ता के साथ काम किया, और अल्टीमेट एम जो स्वराज का था वो इन्हीं ने लिखा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक का नाम हमेशा दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें इन्होंने थ्योरी दी थी एक, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि भारत का पैसा जो है वो ड्रेन हो रहा है, ड्रेन होकर जा रहा है ब्रिटेन। तो ये पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं आपको बताता चलूं साथ में कि आपको डेली 3 PM की क्लास होनी है, तो विदाउट नोटिफिकेशन आपको 3 बजे आ जाना है YouTube पर लाइव। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय ही राइटिंग्स ऑफ। गांधी जी जो है वो किसके लिखावट से, किसके लेखन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय इज द राइट आंसर। गांधी जी के बारे में यहां पर लिखा गया है, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनकी राइटिंग्स यानी लेखन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हालांकि अगर क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, वो किसकी लेखन या किसकी राइटिंग से प्रभावित या इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने किया था, तो आप आंसर देंगे थोरियो। ठीक है, तब आपका आंसर लियो टॉल्स्टॉय ना होके क्या हो जाएगा, थोरियो। आगे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? हड़प की नीति, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या नन ऑफ दीज? लॉर्ड जैसा कोई काम तो किया नहीं इन लोगों ने, तो हम लोग लॉर्ड इनके नाम से हटा देंगे। खैर, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर ऑब्वियसली एनेक्सेशन पॉलिसी थी, यानी कि जो आपके राजाओं की प्रजाएं होती थी, राजाओं का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको हड़पना इस नीति के जरिए शुरू हुआ था, 1848 से 1856 के बीच में हुआ था। और बहुत क्या बोला जाता था, मैनिफेस्टली इनकम्पिटेंट और डाइड विदाउट अ डायरेक्ट हेयर, यानी कि उनका सगा पुत्र ना होने की वजह से, उत्तराधिकारी ना होने की वजह से, वो जो प्रजा होती थी उसको अंग्रेज जो है अपने में ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतारा में सबसे पहले लगाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेसन? आप जानते होंगे जब भारत आजाद किया गया था तब उसमें कुछ ही राज्य थे, करीब 500 से ज्यादा वहां पर देसी रियासतें थी। ठीक है, देशी जो है रियासतें थी जिनको अंग्रेजों ने बोला था, जो माउंटबेटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें बोला गया था कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप चाहे इंडिया में जाएं, आप चाहे पाकिस्तान में जाएं, आप स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं देशी रियासत। ठीक है, आप अगर स्वतंत्र रूप से रहते तो क्या कहलाते वो कहलाती एक नई कंट्री, एक छोटी सी कंट्री, तो ऐसा बोला गया था। और वो बहुत सारे लोग करना भी चाहते थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन क्या हुआ, आप भारत में जुड़ गए। तो सबसे पहले कौन जुड़ा था, द महाराज ऑफ बड़ौदा, द दीवान ऑफ त्रावणकोर, द निजाम ऑफ हैदराबाद या द राजा ऑफ जोधपुर? तो राइट आंसर क्या है, द दीवान ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर के जो दीवान थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन वॉज अ लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन 1947 टू इनेबल ईच ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जो रियासतें होती थी, प्रांत होते थे, स्वायत्त उन्हें बना दिया गया था, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, ब्रिटिश अधिकार से मुक्त होकर किसी भी नई डोमिनियन, या तो इंडिया या तो पाकिस्तान में अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। एंड द राइट आंसर विल बी त्रावणकोर का दीवान, या दीवान ऑफ त्रावणकोर विल बी द राइट आंसर।
आगे भी लिखा गया है, व्हेन यूनाइटेड किंगडम एक्सेप्टेड डिमांड्स फॉर अ पार्टीशन अनाउंस हिज इंसेप्शन टू क्विट इंडिया, द किंग ऑफ त्रावणकोर या दीवार ऑफ त्रावणकोर चित्तिरा तिरुनल इशूड अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 18 जून 1947, और कई राउंड के बाद में उनको इन जुलाई 1947 दे डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द एसेसन टू द इंडियन यूनियन, यानी कि भारतीय डोमिनियन में आना उन्होंने पसंद किया। आगे बढ़ते हैं, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इन द 19th सेंचुरी वॉज एट्रीब्यूटेड टू, जो भारतीय हस्तशिल्प का उद्योग था, इंडस्ट्री जो थी, ठीक है, उसका जो डिक्लाइन हुआ, उनकी गिरावट हुई 19वीं सदी में, यानी कि आप 19वीं सदी से बताते ना 1801 से 1900 ईस्वी तक, किस वजह से था। अब देखते हैं क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन कौन सी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश थे केवल, तो उनसे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था, तो उनके सामने टिक नहीं पाई इंडियन हैंडीक्राफ्ट। डिसअपीयरेंस ऑफ द इंडियन प्रिंसली कोर्ट्स, यानी कि जो इंडियन प्रिंसली कोर्ट्स होते थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब भारतीय कोर्ट्स चलेंगी तो भारतीय पहनावा पहना जाएगा वहां पर, तो वो भी यहां पर और भी चीजें जो है वो भी यहां पर हैंडीक्राफ्ट की जितनी भी चीजें हैं वो भी कम हो गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एलियन रूल, यहां पर एलियन रूल यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी वो आ गया, या ऑल ऑफ अबव। तो बेटा ये जो तीनों रीजंस हैं तीनों वैलिड हैं, ऑल थ्री रीजंस आर वैलिड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वेरी गुड नवनीत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम द इंपॉर्टेंट फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया, तो फ्रांसीसी पोजीशन कौन सा था इनमें से, और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो फ्रेंच पोजीशन थे उनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी जिसका नाम था पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी में क्या क्या आते हैं, यनम, करिकल, माहे और पौंडीचेरी, तो उनमें से पौंडीचेरी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने पौंडीचेरी को छोड़ा था, तो चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल टच नहीं करते आपस में। पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में चार डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पहला पौंडीचेरी, दूसरा यनम, तीसरा माहे और चौथा करिकल। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड। अच्छा, यहां भी दिया गया है, ठीक है, तो फ्रांसीसी जो थे माहे को 1720 में, यनम को 1731 में और करिकल को 1738 में, और पौंडीचेरी को 1674 में इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश संसद का सदस्य होने वाले पहले भारतीय कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ब्रह्मजी एम मालाबरी, डी एन वाचा, दादा भाई नौरोजी, और बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस और बहुत ज्यादा बार पूछा गया फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। व्हाट इज द राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के बिटवीन 1892 टू 1895, ठीक है। चलिए आपको बताना क्या है बेटा, शुभम, अक्षय, नवनीत, आपको बताना ये है कि यूएसए में प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। Who said patriotism is religion and religion is love for India? किसने कहा था कि जो धर्म है वो देशभक्ति है, और जो धर्म है वो प्यार है भारत के लिए, यानी कि देशभक्ति जो है वो धर्म है और धर्म जो है वो भारत का प्यार, ये बोला था राजनारायण बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने। बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने। यूएस में प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होता है वो 4 इयर्स का होता है, एंड दिस इज द राइट आंसर। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार बनेगा, बट यहां पर बाद में एक अमेंडमेंट आया था, बहुत बाद में अमेंडमेंट आया था, तो देखिए कुछ दिनों में बनकर तैयार हो गया था यूएसए का, जो 1783 में यूएसए जो है आजाद हुआ था, 1788 में बन गया था, हालांकि 5 साल नहीं लगे थे, बहुत कम समय लगा था,
4-5 दिन में ही बन गया था इनका, और बहुत बड़ा है भी नहीं जो उनका संविधान है, बहुत बड़ा नहीं है। उसमें पहले कहीं नहीं लिखा गया था कि कोई राष्ट्रपति जो है वो 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। बाद में अमेंडमेंट आया कि इन जनरल कोई भी पार्टी है, 2 ही है मेनली, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, तो जो भी पार्टी से उम्मीदवार होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार बन सकता है। बाद में अमेंडमेंट आया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये किसने बोला था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वां, ये जो मतलब कि नन ऑफ दीज, ये बोला था बेटा बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने ऐसा बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरदयाल एन इंटेलेक्चुअल जायंट वॉज एसोसिएटेड विद, देखिए एक बहुत ही बुद्धिमान थे हरदयाल, ये किससे जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाता है गदर मूवमेंट, ठीक है। किससे जुड़े हुए थे, गदर मूवमेंट से ये जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, इन्होंने उसकी स्थापना करी थी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अन अकेडमी पर अगर आप प्लस नहीं लेना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी डेफिनेटली आपका जो माइंड सेट है उस पर डिपेंड करता है। थर्डली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ फ्री चीज़ें हैं जो आप लोगों को मिली रही हैं, जैसा कि आप अभी YouTube चैनल देख रहे हैं, तो अन अकेडमी SSC प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे सारे टीचर्स के वीडियोज़ मिलते रहें। आप लोग स्पेशल क्लासेस भी देख रहे हैं, आज रात में भी होगी आपकी करंट अफेयर्स की 8 PM पर स्पेशल क्लास, वो भी आपको मिल जाएगी। स्पेशल क्लास आप लोग देख रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, सारी की सारी, स्पेशली मेरी सारी क्लासेस फ्री है, तो आप लोग मुझे पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ पेनी, एक छोटी सी धनराशि भी आपको नहीं देनी होगी। उसके अलावा आप लोग क्विजेज अटेंड कर सकते हैं, क्विजेज अटेंड करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मेरे ही नाम से है, इन्हीं सोनी सर्च कर लीजिएगा और वहां पर आपको मिल जाऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, एट विच प्लेस इन बंगाल वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू ट्रेड एंड बिल्ड अ फैक्ट्री बाय द मुगल्स इन 1651। मुगलों के द्वारा परमिशन दी गई थी किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या परमिशन दी गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह परमिशन दी गई थी कि वो व्यापार के लिए कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। जल्दी से आंसर दिए, आंसर सभी लोग देते रहिए, भले ही आपका गलत हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले कहां दी गई थी, कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बुर्दवान या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर देते रहिए सारे क्वेश्चंस का सभी लोग। द फर्स्ट फैक्ट्री इन द इंटीरियर ऑफ बंगाल वॉज एस्टेब्लिश इन 1651 एट हुगली, दिस वॉज फॉलोड बाई अदर फैक्ट्रीज एट पटना एंड कासिम बाजार, तो ऑप्शन में कासिम बाजार है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जी, हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, याद रखिएगा गेव की बात हो रही है, किसने ये स्लोगन दिया था इंकलाब जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इकबाल या नन ऑफ दीज, और ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जल्दी से जैसे ही क्वेश्चन देखे, मेरे पढ़ने से पहले ही आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर देते चलिए आप लोग, मैं बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो बिल्कुल सही आंसर है, ये उर्दू फेस था इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, जो आंदोलन है वो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, कभी ना रुके, ठीक है। इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी चैंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द एक्टिविस्ट ऑफ HSRA बहुत फेमस था उस टाइम पर, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में भगत सिंह जब जुड़े थे इसमें तब उसको बोला गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो भगत सिंह के द्वारा बेसिकली ये किया गया था, ठीक है। वॉर क्राय बोला जाता था भगत सिंह के द्वारा इसको। नेक्स्ट है द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉर्स, बहुत फेमस, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यंग इंडिया और हरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसने लिखते थे, कौन लिखता था एडिटर, नेहरू, अंबेडकर, गांधी, बोस या नन ऑफ दीज। सो
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी. वेरी गुड, आप सभी लोगों का आंसर सही है, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर. इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन वर फेमसली वीकलीज ऑफ गांधी जी. गांधी जी के बहुत फेमस वीकलीज थे, हर हफ्ते ये पब्लिश होते थे. तो 1933 से 1940 के बीच में हरिजन जो कि इंग्लिश में आता था, हरिजन बंधु गुजराती में आता था, हरिजन सेवक जो कि हिंदी में आता था, ये तीनों ही हरिजन के स्वरूप थे. ठीक है, चलिए. The two states which had non-Congress ministries in 1937. कौन से ऐसे दो राज्य थे? 1935 से चुनाव होने लगे थे, आप सभी को पता है. तो 1937 में पहले जो चुनाव हुए उसमें कौन से दो राज्य थे जिसमें non-Congress ministries, आपको पता हो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी ऑलरेडी. तो कौन से दो राज्यों में non-Congress ministries थी? बंगाल एंड पंजाब, पंजाब एंड NWFP, मद्रास एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. सो द राइट आंसर विल बी बंगाल एंड पंजाब. बंगाल और पंजाब में नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया. पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था जो भारत आया था? जल्दी जल्दी से आंसर देते चलिए आप लोग. एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मे फ्लावर. तो पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था जो भारत आया था? और वास्को डिगामा मत बोला करिए, लास्ट टाइम मैंने जब पूछा था बहुत बच्चों ने बताया था वास्को डिगामा इससे आया था. वास्को डिगामा पुर्तगाली था, अंग्रेज नहीं था. ठीक है, तो आपके हिसाब से तो अंग्रेज होगा क्योंकि अंग्रेजी ही बोलता था, पुर्तगीज था वो यूरोप से. ठीक है, बट अंग्रेजी जो था वो था रेड ड्रैगन. 31 दिसंबर 1600 को बना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला आया था वॉयज, जो डिपार्ट हुआ था वहां से. ठीक है, तो वो निकला था और जो पहला नाम था वो था रेड ड्रैगन. इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट. किस वर्ष से गांधी जी ने सत्याग्रह, मतलब सत्य का आग्रह हम लोगों को करना है, किस वर्ष से शुरू किया था गांधी जी ने ये मूवमेंट? 1919, 1927, 1934, 1942, none of these इसमें हटा दीजिएगा. ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर इज 1917 से 1919 के बीच में शुरू किया था चंपारण जो सत्याग्रह था वहां पर. ठीक है, रॉलेट एजिटेशन के बाद भी. खैर, हु इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, यानी कि नए भारत का पैगंबर किसको बोला जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण यानी रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या नन ऑफ दिस. So, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना कमेंट सेक्शन में. मैं बताता हूं, आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा अभी तक. सो द राइट आंसर इज रामकृष्ण. रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण भी बोला जाता था, इन्हें प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया भी बोला जाता था. स्वामी विवेकानंद ने इनको प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया बोला था. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रामकृष्ण परमहंस की. तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करी थी. एक प्रकार की सभा थी जो कि उनके मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी. आगे बढ़ते हैं. रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी, विलियम बेंटिक या फिर नन ऑफ दीस. तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल है, सर विलियम जोन्स इज द राइट आंसर. सर विलियम जोन्स इज द राइट आंसर. द एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंड बाय सर विलियम जोन्स ऑन 15th January 1784 इन अ मीटिंग प्रिसाइडेड ओवर बाय द रॉबर्ट चैम्बर्स. रॉबर्ट चैम्बर ने उसकी अध्यक्षता की थी. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार दिमाग में रख लीजिएगा. आगे बढ़ते हम लोग. द इंडियन नेशनल आर्मी, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी यानी कि आजाद हिंद फौज थी, फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट, किसके खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ी थी? जो इंडियन आर्मी थी, आजाद हिंद फौज थी. अब देखिए, आजाद हिंद फौज यानी कि भारत
की आजाद फौज भी बोल सकते हैं आप उसे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था भाई, क्योंकि अंग्रेजों का कब्जा था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, यानी कि जो भारतीय अंग्रेज थे 1939-1945 के बीच में, भारतीय सैनिक उनकी तरफ से लड़ रहे थे। जापान ने कुछ 50,000 सैनिकों को कैप्चर कर लिया था अंग्रेजों के, और अंग्रेजों के सैनिक कौन थे, भारतीय ही तो थे, और कहां से सैनिक आएंगे वहां पे। ठीक, तो उन 50,000 को जाकर सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद करवाया और आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके खिलाफ लड़ रहे होंगे, वो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वॉज पास ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ, तो पूछा जा रहा है 1904 का जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये आपको दिमाग में बनाकर रखना है, 1904 1905 एक ही टाइम था, तो बंगाल विभाजन किसके टाइम पर हुआ था, उसी के टाइम पर आपका यूनिवर्सिटीज एक्ट भी आया था। सो द राइट आंसर विल बी, पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं, लिटन, करजन, रिपन, हे हार्डिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, किसी ने भी नहीं दिया बेटा अभी तक। सो द राइट आंसर इज लॉर्ड करजन। ठीक है, लॉर्ड करजन थे उस टाइम पर, और उसी के टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके चलते 1906 में यहां पर यूनिवर्सिटीज एक्ट आया, यहां पर आपका बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी इसी टाइम पर। तो आप लोगों को ये चीजें सारी एक दूसरे से कनेक्ट करके देखते रहना। द हीरो ऑफ द काकोरी डकैती, जो काकोरी कांड हुआ था आपको पता है, अंग्रेजों के हथियार, अंग्रेजों का पैसा, अंग्रेजों का सोना जा रहा था एक ट्रेन से, उसको लूटा था यहाँ पर, तो उसका हीरो कौन था, या फिर बोल सकते हैं किसका आइडिया था, किसने उसको लीड किया था। ऑप्शन से राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला, नन ऑफ दिस हटा दीजिएगा। तो हु वॉज द हीरो ऑफ दिस डकैती, सो जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल इसके हीरो थे, लीड कर रहे थे, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी। याद रखिएगा, केवीसी में भी पूछा जा चुकी है, एग्जैक्ट डेट पूछी जाएगी, एग्जैक्ट डेट पूछी जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, मेनली उनका मकसद था पैसा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पैसा या सोना, हथियार तो अगर पैसा जाएगा तो हथियार तो खरीद ही लेंगे या बनवा लेंगे। आगे बढ़ते, द पर्सन क्या बोल रहा है, द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्शन ऑफ डायार्की, द्वैध शासन। डायार्की कब आया था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1919 के तहत आया था डायार्की। तो इसके पीछे कौन था, कौन जिम्मेदार था, मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, लियोनल कर्टेस या चेम्स फोर्ड या नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, 1919 के एक्ट को एक तो बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, और बोला जाता है मॉन्टेग्यू, चेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू कौन था, मॉन्टेग्यू उस टाइम का 1919 में सेक्रेटरी फॉर द स्टेट, यानी कि सेक्रेटरी था भारत का, ब्रिटेन की तरफ से भारत के लिए सेक्रेटरी था मॉन्टेग्यू। चेम्स फोर्ड उस टाइम पर वायसराय था, चेम्स फोर्ड कौन था उस टाइम पर, वायसराय था, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था मॉन्टेग्यू। तो बेसिकली बात यही हो गई, ये प्रेसिडेंट है भारत का और ये आपका प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से उस टाइम पर चल रहा था, द्वैध शासन आ गया था, और लाया कौन था उसे, उसके पीछे किसका हाथ था, मॉन्टेग्यू का। तो ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मैं मॉर्ले मिंटो की बात करूं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, कब आए थे ये आपको बताना है ईयर। तो मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट, एंड मिंटो कौन थे, वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, कब आया था ये आप बता दीजिए जल्दी से मुझे, वेरी गुड।
Diarchy was introduced as a constitutional reform by Edwin Samuel Montagu, Secretary of State for India, 1917 से 1922 तक ये रहे थे. आगे बढ़ते हैं. The tricolor was adopted as the national flag in, जो तिरंगा था वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब एक्सेप्ट किया गया? लाहौर कांग्रेस में, बेलगाम कांग्रेस में, इलाहाबाद या हरिपुरा? हरिपुरा आपको पता होगा, हरिपुरा में जो आप सुभाष चंद्र बोस बने थे 1938 में हुआ था. फिर त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद जीत गए थे, बट उन्होंने छोड़कर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी, इसमें अध्यक्षता नहीं की थी. पट्टाभी सीतारमैया को हराया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी अपनी अलग. खैर हरिपुरा आंसर नहीं, मैं बस बता रहा था इसके बारे में. राइट आंसर इज लाहौर कांग्रेस. लाहौर कांग्रेस इज द राइट आंसर. वेरी गुड नवनीत. जवाहरलाल नेहरू बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट एनुअल सेशन 1929 में, सबसे यंगेस्ट बन गए थे. उसके बाद अबुल कलाम आजाद अभी तक के सबसे यंगेस्ट हैं. ठीक है, तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, खैर 31 दिसंबर को एक्सेप्ट किया गया था और बोला गया था कि हम लोग आज़ादी पाएंगे 1929 31 दिसंबर, तो वो 1930 ही हो जाता है क्योंकि नया साल लागू हो जाता है, तो आपको सब कुछ देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो आप लोगों को 1929 1930 में कंफ्यूज नहीं होना है, बट आपको लाहौर याद रखना है. चलिए, हु वॉज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का पहला प्रस्तावक, यानी कि किसने प्रस्ताव रखा था इसको लागू करना चाहिए, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, या नन ऑफ दीस? तो ये आपके यहां पे ऑप्शंस हो जाते हैं. ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अरविंदो घोष. अरविंदो घोष ने ये बोला था, इन्होंने लिखा था द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स फर्स्ट अपियरिंग इन द इंडियन डेली. वंदे मातरम में इन्होंने पहले, सबसे पहले अपियर हुआ अंडर द जनरल टाइटल ऑफ न्यू थॉट फ्रॉम अप्रैल 11 टू अप्रैल 23. सभी लोगों को बता दूं बेटा कि डेली 3 PM पर आपको आना है इसी YouTube चैनल पर, और सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 20 सेशंस मिलेंगे इस सीरीज के, और अगर आपने 20 के 20 सेशंस देख लिए एक घंटे के, तो आपके 1000 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए. ठीक है, 1000 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा. ठीक, चलिए, तो हमारा जो आज मैं देखना चाह रहा था कि कितनी देर में कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं, तो बेटा 30 क्वेश्चंस हो गए हैं 42 मिनट्स में ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली. तो हम लोग कल से 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलेंगे. 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कल से, यानी कि एक घंटे की क्लास तो डेफिनेटली आपको मिलेगी 3 PM to 4 PM. तो आप लोग जो भी टाइम है अपना निकाल लीजिए. ये टाइमिंग जो है मैंने आप लोगों से पूछ कर ही रखी है 3 से 4 PM की. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था आप लोगों के लिए. कल से हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे. आज ये 30 क्वेश्चंस थे, हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे. अनअकैडमी प्लस पर आपको 120 से ज़्यादा एजुकेटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं. मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को. 120 से ज़्यादा एजुकेटर्स, लिटरली अनबिलीवेबल. ठीक है, और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड है बिन्नी सर, बी फॉर बॉल, IEEE सर, तो इसको यूज करके आप लोग ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, और प्राइस हाइक होने से पहले आप ले सकते हैं. साथ नहीं छोड़ रहा हूं बेटा नवनीत. 2-3 दिन जो गए हैं वो थोड़ा सा पर्सनल रीजंस को छोड़ाते हैं, बट क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी अब, डू नॉट वरी अबाउट दैट. बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी. ठीक है, तो 3 PM पर आइए. और ये कुछ क्वेश्चंस थे. अब आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग साथ में मेहनत करते रहिए प्लीज. और अगर प्लस चाहिए है तो सिर्फ यही रेफरल कोड है, इसके अलावा यूज मत कर लेना, माता रानी पाप लगाएंगे. ठीक है, सो ये थी आज हम लोगों की क्लास. तो एग्जाम बहुत पास है, आप लोग प्लीज आते रहिए क्लास में. और दैट वाज ऑल फॉर द क्लास. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक्स फॉर